इकराफ़ दीन, दीन में कोई जबर नहीं, इसकी बहुत गलत भी तशरीह हुई और बहुत सारे लोगों ने इसके मतलब और मानी को मुख्तलिफ अंदाज में लिया। मैं आज शाह साहब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे गुजारिश करूँगा कि ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमा दें कि यह ला इकराफ़ दीन है क्या। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से इस्लाम के मुखालफीन और हासदीन ये प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि तलवार से फैला है, ये रब ताला तो क्लियरली ये कह रहा है कि दीन में जबर नहीं है। मुराद ये है कि किसको जबर के ज़रिए से दीन कबूल करने पे मजबूर मत करें। आप एक वॉलेंट्री फेल है जब आदमी कन्विंस हो जाए। हमारे यहाँ इसलिए एक दस्तूर ये है कि जब कोई आकर हमसे कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, उससे भी हम रिपीटेडली एक बात पूछते हैं कि किसी दबाव के तहत तो नहीं आप कबूल करना चाह रहे हैं, किसी लालच के तहत तो नहीं आप पा रहे, आप एट योर फ्री विल इसी इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं। तो इस्लाम कबूल करने के लिए किसी पर जबर नहीं कि हम किसी को बज़ोर मजबूर करें कि वो इस्लाम कबूल करे। फ़कीरों ने भी सुन्नत ही पर अमल किया है और सुन्नत यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थ्रू पर्सनल एग्जांपल दीन को फैलाया है। आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि जो ऐलान नबूवत फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो पहला एड्रेस जो कुरैश को फरमाया है उसमें भी एक चीज़ पे कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन का एक लश्कर तुम पर हमले के लिए आ रहा है तो यकीन कर लोगे, तो सब ने एक ज़ुबान गवाही दी थी कि हम कर लेंगे, इसलिए कि आपने झूठ कभी नहीं बोला। अब ये कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है कि जो आपके मुखालफीन को भी मजबूर करती है कि वो इस बात को तस्लीम कर ले कि आप साहिब किरदार इंसान हैं। यही पर्सनल एग्जांपल है कि आप हर हर मामले में एक आला तरीन अखलाक का नमूना है और लोग उससे मुतासर होके दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं। ये इस सुन्नत को कैरी किया है उन साहिब इल्म लोगों ने जो इंडिया में जो कि कुफर का गढ़ था यहाँ आके, तो उनके पास ना तो कोई फौजी ताकत थी ना जिस्मानी तौर पर कोई ऐसे पहलवान नुमा चीज़ थे कि लोग उनसे खौफजदा हो जाएं। उन्होंने भी पर्सनल एग्जांपल सेट की और बग़ैर किसी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के सिर्फ पर्सनल एग्जांपल सेट करके एक एक आदमी ने लाखों काफरों को मुसलमान किया है। आदमी का कन्विंस होना ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक, कि ये दीन वाकई ही इल्हामी दीन है, रब ताला का उतारा हुआ डिवाइन रिलीजन है और ये वाकईतन उन अकायद से अच्छा है
जिन अकायद के हम आजकल फॉलोअर हैं, तो मुझे इस दीन में दाखिल हो जाना चाहिए। ये थ्रू एग्जांपल होता है, इसमें जबर नहीं है। और जो आप फरमाना चाह रहे हैं, जब आप इस्लाम में दाखिल हो गए एक बार, वहाँ असल में मैं उसे जबर शायद ना कह पाऊँ, वो जबर नहीं है। वहाँ ये है कि चूंकि मैं कन्विंस हुआ हूँ कि ये दीन सबसे बेहतरीन दीन है और इल्हामी दीन है, मुझे अपनी फलाह के लिए इसमें दाखिल होना है कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, तो मैं कन्विंस होकर उसमें दाखिल हुआ हूँ। तो मुझे जिस तरह हम एक ख़ानदान का मेंबर होते हैं, हमारे पर्सनल व्यूज़ वो मायने नहीं रखते, जहाँ हम ये कहें कि नहीं साहब आप अपनी राह चलिए मैं अपनी राह चलूँगा। तो ख़ानदान की जो रवायात हैं हम उसके पाबंद होते हैं, जो किसी भी ख़ानदान का जिसका हम हिस्सा हैं उसका जो तौर तरीके हैं हम उसके पाबंद होते हैं, हमें उस चलना है। तो जब हम एक मुस्लिम बरादरी का हिस्सा बनते हैं, तो फिर हमें उन तमाम चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है या फॉलो करना चाहिए जो इस्लाम कहता है। उसकी इबादत का पहलू हो या उसके हुकूकुल इबाद का पहलू हो, सीरत का पहलू हो, किरदार का पहलू हो, फिर हमें अपने आप को उसके मुताबिक ढालना है, वो ऑब्लिगेटरी है।